Now we are having the 250 beds. 250 stress beds are going on. I think next 2 years it will be recognized. वर्ष 2013 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज के सभागार में डिग्रियों का वितरण। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने 110 चिकित्सकों को दी MBBS की उपाधि। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में सोमवार को डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ वर्ष 2013 बैच के मेडिकल के विद्यार्थियों को MBBS की उपाधि प्रदान की गई। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चिकित्सकों को उपाधि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने प्रदान की। इस दौरान पूरा सभागार चिकित्सकों और रेजिडेंट्स से खचाखच भरा हुआ था। इस मौके पर कॉलेज सहित चिकित्सालय में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देने के साथ ही कोविड में किए गए कार्यों को भी साझा किया गया। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर VB सिंह ने भी कॉलेज में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर JLN अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन सहित अन्य कई चिकित्सक मौजूद रहे। उपाधि वितरण कार्यक्रम में विशेष ड्रेस कोड काले रंग के कोट में सभी चिकित्सक नजर आए। सभी 2013 बैच के चिकित्सकों को उनके रोल नंबर के अनुसार कतारबद्ध बैठाया गया। कार्यक्रम के दौरान 110 चिकित्सकों को MBS की उपाधि प्रदान की गई। इस मौके पर कुछ चिकित्सकों ने अपने अनुभव भी शेयर किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद डॉक्टर भंडारी ने भी अपने संबोधन के जरिए चिकित्सकों में जोश भरा। उन्होंने कहा कि जिस कार्य के लिए उन्हें डिग्री प्रदान की गई है, उस कार्य को ईमानदारी के साथ पूर्ण करें और मरीज को स्वास्थ्य सेवाएं देकर संतुष्ट करने का कार्य करें, क्योंकि एक चिकित्सक को धरती पर भगवान का दर्जा मिला हुआ है। We will start PG in emergency medicine. We will start PG in immunohematology and transfusion medicine also. For this, sir, we need the support of RUHS, and I hope it will be. Now we are having the 250 beds. 250 stress beds are going on. I think next 2 years it will be recognized. And best of luck to all. Students of batch 2013 who will get the degree.